How are you, sir? मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, I'm very happy, बहुत खुश हूँ मैं। हम 107 पे आ गए आज। 107 पे आ गए हैं, बिल्कुल, इतना खुश हूँ मैं। देखें आपके आने से हम लोग एक पॉइंट हमारा बढ़ गया है। ख़वातीन हज़रात, जहाँ हम लोग पॉइंट्स की बात करें, ये एज फैक्टर जो है, पता नहीं क्यों आपके बाल देख के मुझे आपको अंकल कहने का जी चाहता है। तो उमैर अंकल, आप मुझे बताएं कि ये ब्लैक एंड वाइट बाल हमारी इंडस्ट्री जी। His hair looks really graceful on him and he looks fantastic, okay? हाय बाजी, बड़ा डिफेंड कर रही है आपको क्या? अब ये सैयदों की गवाही है। अब आप कुछ नहीं कह सकते। एक मिनट। Do you know him? Yeah. Yeah. कैसे? हम लोगों ने ड्रामे में काम किया था। तभी पर्ची। अगर आप लोगों को नहीं मालूम, उमैर साहब is also a teacher. लेकिन मैं जो जानना चाह रहा हूँ कि आपने महरीन के साथ जब काम किया था, महरीन को तो उर्दू पढ़नी नहीं आती, तो कौन सा ड्रामा किया था आपने? हमने उर्दू का ही किया था और कर लिया था। लेकिन मेरा यही है ना कि मैं किसी से पूछ के फिर रोमन में लिख लेती हूँ अपने डायलॉग्स, फिर एक छोटी मोटी रिहर्सल हम लोग कर लेते होते हैं तो याद हो जाता है। ज़ादी एक्टर थे, नखरे बिलावल भुट्टो वाले। अजय उमैर, वैसे वाकई हमारे, आपको पता है, वी लिव इन अ वेरी विजुअल वर्ल्ड। आपने अभी तक अपने बालों को नहीं छेड़ा, ये क्या कोई खास वजह है? मैंने नहीं किया बिकॉज पता नहीं, मुझे हजम नहीं होती बातें। अच्छा, सो दिस नॉट हु आई एम। आपने कहा नहीं, आई वुड रादर बी प्योर एंड क्लीन, खालिस। हाँ नहीं है वालों की वजह तो तुसी अनवर मकसूद साहब नु फॉलो कर रहे हो या जवेद अख्तर नु? अनवर साहब मैनू पूछ देने कि पुत्र केड़ा डायल आया? LSC से आप पढ़ के आए यार, उसके बाद तो लोग कहते हैं कि भाई LSC से अगर मैंने पढ़ लिया है तो मैं तो पाउंड कमाऊंगा, पाउंड। आप रुपए कमाना शुरू हो गए हैं। व्हाट इज दिस? वही बड़ी मुश्किल से कमा रहा हूँ, उसकी बात है। हाँ बिल्कुल, अदाकार तो पता है, फनकार दाद दा भुखा होंदा है, चेक दा नहीं भुखा होंदा। हम लोग इस तरह क्यों? क्योंकि मैं और कुछ कर नहीं सका। अच्छा। हाँ, I couldn't prove myself in anything, ना मैं खुश था ना I was satisfied, तो मैंने कहा चलो फिर रही गए तो let's do it। अच्छा, जिन्नी महंगाई है ना, मिसाल पुठी हो जानी चाहिए कि फनकार दाद दा भुखा होंदा है जी, ते चेक दा जरा ज्यादा भुखा होंदा है। लंदन जाके लोग वापस आने का नाम नहीं लेते, और अगर आते हैं तो किस, जाहिर बात है ऑर्डर आता है तो आते हैं। आप लंदन से ऑर्डर के बगैर ही वापस आ गए? नहीं, मेरा भी एक तरह का ऑर्डर ही था बिकॉज जब मैं लंदन गया था उस वक्त पाउंड स्टर्लिंग ओवरनाइट जो है ना, मेरे ख्याल से 60 से 80 या बल्कि 100 पे टप गया था। दिस इज ड्यूरिंग द न्यूक्लियर टेस्ट टाइम, और भाई और मैं दोनों, हम सिर्फ दो ही थे। बाद मेरी यहाँ अकेली थी, तो देन आई डिसाइडेड टू कम बैक एंड कम टू अम्मी। ब्रेव डिसीजन एट दैट टाइम। अगर लेट्स सपोज आप लंदन में ही अभी होते तो अदाकारी तो आप ना कर रहे थे, कौन से प्रोफेशन में होते? नहीं, मैं आई थिंक अदाकारी ही कर रहा था। वहाँ भी मैं थिएटर दबा के कर रहा था, और बकौल मेरी बेगम के कि मुझे फिर है ना न्यूयॉर्क जाके सेंट्रल पार्क में गिटार बजाना चाहिए। वो जिंदगी गुजारी। अंडरपास से गिटार बजानी सी सेंट्रल पार्क। अच्छा, मैं कहूं जिथे बंदे टोपी च पैसे रख जाते शायद उथे दा कह रहा ऐसे वाकई है। नहीं, मैं सोचिया उथे फिर मैं पाउंड ही कमाऊंगा। नहीं तो आपको पता है जस्टिन बीबर भी ऐसे ही फेमस हुआ था। अच्छा, देखो कितनी इंफॉर्मेशन है। अपना घर पूछो, कहती याद नहीं कौन सी स्ट्रीट नंबर थी। बीबर पहले ऐसे करता था, फिर अशर ने उसको डिस्कवर किया, फिर जाके आपको पता ना ही उनको अशर का पता है, अशर राई, और ना ही उनको जस्टिन बीबर का पता है। खेड़दा रहा मेरे नाल इत्थे छदरे रहंदा हुंदा सी। उमर, यू आर अ वंडरफुल एक्टर, मगर आप ड्रामे वाकई ही बहुत कम करते हैं। यू वेरी चूजी, क्या इसके पीछे वजह क्या होती है? आई लाइक टू डू लिमिटेड वर्क, और मैं आई एम चूजी। स्क्रिप्ट सही होनी चाहिए, कास्ट सही होनी चाहिए, कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए, डजंट मीन कि लॉन्ग हो, अच्छा होना चाहिए। नखरे बॉय हैं उस तरह से। अब फिर उस लिहाज से उन्होंने उसमें डाल दिया ना कि रान साहब तो इसको ना ही करेंगे। मिसाल के तौर पे इतने ड्रामों को ना किया, सोप्स का जब जमाना था इतने सोप्स को ना किया, तो आती नहीं थी फिर ऑफर, व्हिच इज फाइन। वो एक तरह से फिल्टर हो गया था। हां, दैट्स व्हाई आई डू दिस। कौन सा ऐसा कैरेक्टर था जो वाकई बहुत भारी रहा मेंटली मेरे लिए रीसेंट पास्ट में? तो मस्तान सिंह संगे माँ बहुत भारी रहा, बहुत। उसने बल्कि मेरा रेस्क्यूअर बना, क्योंकि बड़े मुश्किल वक्त पे उसने मुझे रेस्क्यू किया, सो टू स्पीक। इश्क मुर्शिद भी, क्या बात है, हिट पे हिट। मुर्शिद हैज डन ग्रेट। उसमें भी नेगेटिव हैं आप, कह सकते हैं। अच्छा, कह सकते हैं, कह सकते हैं, मतलब आपके बकौल वो नेगेटिव नहीं है। नहीं, मैंने सुना था कि आप लोगों के ये शो पे बहुत गेम्स होती है, मैं कसौटी की तैयारी करके आया सर। ओह, कह सकते हैं, वो कह सकते हैं बिल्कुल। आप तो नेगेटिव नहीं कह सकते क्योंकि एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है। नहीं, डायरेक्टर माशाल्लाह बड़े समझदार होते हैं, उन्हें पता है कौन से बंदे का क्या कैरेक्टर है, फिर वैसा ही रोल देते हैं उसे। आपको कैरेक्टर कैसे ऑफर हुआ? ये मुझे फारूक जो है, उनके साथ मैंने 2 दफा पहले भी काम किया हुआ है, एंड आई हैव हैड सम ग्रेट टाइम, प्यार के सदके एंड व्हाट नॉट, वी डिड दैट। तो हमने जब आ रहा था तो उन्होंने मुझे 2 कैरेक्टर्स ऑफर किए थे, उनमें से एक था जो कि नूर ने किया इवेंचुअली, और एक ये था। आई चोज दिस। तो मैंने उनसे मशवरा लिया, मैंने कहा आपने कहा कि बाल किसके हैं किसके नहीं हैं? बाल थे ने क्या थे ने? मोस्टली जिस जॉबों पे आप काम करते हैं आपके साथ नूर साहब देखे जाते हैं, क्या नजर बटू के तौर पे उनको वाई ये नहीं आएंगे और मजेदार बात ये कि नूर और मैंने जितने भी ड्रामे किए हैं उसमें मुश्किल से 1-2 सीन हमने इकट्ठे किए, मगर इसके अंदर वो जो बाप बेटे का रेफरेंस है और कुछ लोग इसको पॉलिटिकल इंस्पिरेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ही एक पॉलिटिकल पार्टी से बाप बेटे देखें लोग जो मर्जी तीर चलाएं, हमें उसे कोई गर्ज नहीं है। और अभी तक जिंदा वाला तीर है तो डालें, कोई मसला नहीं है। हमने प्रेसिडेंट सेट कर दिया। प्रेसिडेंट कौन? प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट। अच्छा, मैं कहा जरदारी साहब का नाम ले रहे हो, शायद को काम हो गया। अच्छा, तुसी डायरेक्ट ही हो गए हो। कई सीन में बाप बेबस नजर आया बेटे के आगे। ये नॉर्मल रियल लाइफ से इंस्पायर्ड था यार, आप डायरेक्ट ही पूछ ले तो ये बेहतर नहीं। आप ऑब्वियसली बात है, आपको तो पता है कि जैसे जैसे ड्रामा हिट होता जाता है लोग उसकी इंटरप्रिटेशन भी उस तरह लेते हैं, मगर अब इतनी मजेदार मीम्स बन रही हैं और वो जरदारी साहब के साथ इतना डायरेक्ट कंपैरिजन किया जा रहा है। तो राइटर ने पहले आपको इन्फॉर्म किया था कि हाँ इंस्पिरेशन वहां से है? नहीं, मुझे कोई इस तरह की इतला, अब मुझे बल्कि आपकी तरफ से पहली दफा सुन रहा हूँ, मैंने तो कभी सुना ही नहीं है। ओह, फिर आप अपना इंटरनेट नहीं देख रहे जो रिव्यूज आ रहे हैं? हाँ, मैंने पहली दफा सुना है। हमारी ड्रामा इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है और आपका ड्रामा बड़े से बड़ा होता जा रहा है, लेकिन हमारी फिल्म्स लिमिटेड होती जा रही है, फिल्म्स छोटी छोटी होती जा रही हैं और वो ना ही वो नंबर गेन कर पा रही हैं। तो व्हाट डू यू थिंक इज द मिसिंग एलिमेंट इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी? जब तक वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगा, तो कमर्शियली वायबल नहीं होगा, इट्स नॉट गोइंग टू स्ट्राइव। और फिर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि भाई वो एक इस तरह की इन्वायरमेंट बनाए और लेजिस्लेशन बनाए कि उसको सपोर्ट करें। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि हम सारे इकट्ठे हों और लॉन्ग टर्म सोचें। वो इकट्ठे करना ही मुश्किल है। इकट्ठे से याद आया, एक हमारी आर्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि राइट्स के लिए लड़ती है, आप और अतीका जी उसकी बड़े फ्रंट मेंबर्स भी हैं। और कितने तक पहुंची हाल तक? बने कि नहीं बने? बन गई, एक्टर्स एसोसिएशन फाइनली बन गई, एक्टर्स कलेक्टिव ट्रस्ट हम उसको कहते हैं। बड़ी गल है, तुसी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो और चला रहे हो, नहीं तो ऐसी तो बुजुर्गों को सुने हैं फनकार ते डड्डू कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। उमैर, मुझे बताएं कि अवार्ड्स में बिलीव करते हैं? नहीं, जारी बात है, मुझे हारे जो हैं। खातिन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं माइंड ना करना, विल बी राइट बैक। ये बात अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू माइंड ना करना। आपको पता है यूएन के पास और कोई काम नहीं होता, सारे दिन बैठ के वो नई रिसर्च निकालते रहते हैं। उन्होंने एक और नई रिसर्च निकाली है जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि जी हैप्पी ममालिक जिनकी पॉपुलेशन बहुत खुश रहती है, उसके अंदर पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो 108वें नंबर पर है। ओह माय गॉड, 108 नंबर! शुक्र करो महरीन, 108वें नंबर ते आ गए हैं। बट जी जिहो जी इतने परेशानियां ने, मैनू लग रहा है इस लिस्ट चो बाहर ही ना हो जाइए किधरे। वैसे बट जी, खुश रहने वाले मुल्कों में अगर 108 नंबर पे पाकिस्तान है तो पहले नंबर पे कौन है? भाई पहले नंबर पे है फिनलैंड। ओ, फिनलैंड हो सकता भाई पूरे गुजरां वाले जिन्नी ते उन्हां दी आबादी है, वसाइल भी उन्हां कोल वाधू ने, उन्हां नूं लिया के ते शदरे रखो हां 2 दिन, मैं वेखां किंज खुश रहंदे। जाने भी दिया करें आप खातिन। लेकिन आज जो हमारे मेहमान आ रहे हैं वो वाकई आपको खुश करने वाले हैं, चाहे हम 108वें नंबर पे हों, लेकिन वो जिस प्रोग्राम में आते हैं वो प्रोग्राम नंबर 1 हो जाता है। He has a magnificent personality। थिएटर से उनका आगाज हुआ, टेलीविजन बहुत कम करते हैं और अगर करते हैं तो ऐसा करते हैं कि आप कहते हैं वाह। वो अलग बात है, मुझसे अवार्ड हारे हुए हैं। प्लीज वेलकम उमैर राणा। ये बात वेलकम मिस्टर राम